नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम वाली जो स्थिति थी उसमें सबसे बड़ा कल्चर डेवलप हुआ कि घर पर से ही काम किया जाए, लेकिन काफी सारे लोग बेरोजगार भी हो गए और वो लोग आ गए YouTube के फील्ड में, यानी कि वीडियोस बनाने लगे और सोचा कि कहीं ना कहीं मोनिटाइज करा करके वो भी अर्निंग्स कर सकते हैं एट होम। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वीडियो बना करके डालते हैं तो उस पर व्यू नहीं आते हैं। व्यू नहीं आते हैं तो आपके 4,000 घंटे पूरे नहीं होंगे, आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम आएगी और मोनिटाइज होने भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में जो आपने मेहनत करी वो सारी खराब हो जाती है। अब ये आपकी मेहनत खराब नहीं हो, आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, जल्दी से जल्दी आपका वॉच टाइम पूरा हो जाए और जल्दी से जल्दी चैनल मोनिटाइज हो जाए, ये सब करने के लिए आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है और वो है आपके मैक्सिमम व्यू। लॉकडाउन में व्यू तो काफी बढ़े लेकिन कुछ ही चैनल्स पर। काफी सारे चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने काफी मेहनत की लेकिन व्यू फिर भी नहीं आए। अब इसकी स्थिति क्यों ऐसी हुई इस बारे में पर थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बात कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोज के व्यूज की, कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो इसके लिए सबसे पहले समझने की जरूरत यह होती है कि प्राइम टाइम क्या है, और प्राइम टाइम हर मीडिया चैनल का अलग अलग होता है, इसी प्रकार YouTube का भी एक प्राइम टाइम होता है। अगर उस टाइम वीडियो अपलोड किए जाए तो अब व्यू आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इसके बारे में पता कैसे लगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। हमने सुबह वीडियो अपलोड कर दिया, दोपहर में कर दिया, शाम को कर दिया, रात को कर दिया, उसके बाद भी व्यू नहीं आ रहे, ये क्या प्रॉब्लम हुई। तो इसका भी शॉर्ट जो है इसको भी YouTube ने शॉर्ट आउट किया है और इसके बारे में भी YouTube खुद आपको बता रहा है। यहां मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज, वीक में पूरे 7 दिन और आपके 2400 घंटे किस टाइम व्यूवर्स सबसे ज्यादा होते हैं आपके चैनल पर, ये आप कैसे पता लगाएं, ये मैं आपको इस चैनल में बता रहा हूं। तो आप इसको ढंग से समझ लें, समझने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका सबसे ज्यादा व्यू टाइम कब होता है और आपको वीडियो कब अपलोड करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपको मैक्सिमम व्यू मिलेंगे, आपका वॉच टाइम पूरा होगा, वॉच टाइम पूरा हो जाता तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में इजी हो जाएगा, मोनेटाइज होने के बाद अगर व्यू लगातार अच्छे आते रहते तो आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ आप ये चार्ट देख सकते हैं, पर्पल कलर्स में ये बार बने हुए हैं और यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है 12 AM हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो, और 6 AM, 12 PM और 6 PM, और ऊपर आपके नेम ऑफ द डेज हैं पूरे वीक के, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और ऊपर टेबल में लिखा हुआ है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, यानी कि ये बता रहा है कि आपके व्यूवर्स किस टाइम पर YouTube को ज़्यादा देख रहे होते हैं। और जितने ये आपको पर्पल कलर्स के ये बार्स दिख रहे हैं, आप इस पर अपने कर्जर को ले जाइए तो आपको टाइम के अनुसार व्यूवर्स की संख्या बताएगा। तो जैसे हम यहाँ देखें संडे 12 AM का देखते हैं, तो यहाँ यह लिखा हुआ है नीचे फ्यू ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, यानी कि कुछ ही व्यूवर्स थे जो इस समय 12 बजे दिन में आपके चैनल को देख रहे थे। फिर नीचे हम लाएं 1 बजे का भी सेम ही बता रहा है, फिर 2 बजे का देखें, 3 बजे का देखें, 4 बजे का देखें। तो अब एक बार वापस हम आते हैं शुरू से ही, तो यहाँ फ्यू ऑफ और यहाँ हम जैसे ही आते हैं 1 बजे, तो वेरी फ्यू ऑफ योर व्यूवर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि यहाँ संख्या और कम हो जाती है। तो कुल मिला के आप देखें ये बार्स का कलर बिल्कुल हल्का है, तो आप ये यहाँ आ जाइए 7 AM तक, तो वेरी फ्यू ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, यानी कि बहुत कम है यहाँ 7 बजे तक। ठीक है, ये 7 बजे का टाइम है सुबह का, इस टाइम व्यूअर्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। 8 बजे भी उसी प्रकार है। अब यहाँ 9 बजे हम आते हैं, तो सम ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, यानी कि 9 बजे अब ये शुरुआत हुई है YouTube देखने वालों की, और फिर ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो सम ऑफ योर व्यूअर्स ऑन YouTube 10 बजे का है ये टाइम, और फिर 11 बजे का जाता है तो मैनी ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, तो 11 बजे दिन में, और फिर ये 12 बजे का है, फिर ये 1 बजे का है, फिर ये 2 बजे का है, फिर ये 3 बजे का है, और फिर ये 4 बजे का है। तो ये आपके 4 बजे तक काफ़ी संख्या में व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे होते हैं। फिर अब 5 बजे चले जाएंगे तो थोड़ा यहाँ डाउन हुआ है, वेरी शब्द हट गया है, केवल मैनी आ गया है, तो मैनी ऑफ योर व्यूवर्स आर ऑन योर यूट्यूब। और अब यहाँ देखें हम 6 बजे, तो यहाँ थोड़े कम हुए हैं, फिर 7 बजे कम हुए हैं, लेकिन जैसे ही 8 बजे आते हैं फिर वेरी मैनी ऑफ योर व्यूवर्स,
तो 8, 9 और 10, तो शाम को 8, 9 और 10 वो टाइम है जब आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं और काफी संख्या में व्यूज पा सकते हैं। अब दिन में हम देखें यहां तो ये पर्पल पट्टी 12 बजे का टाइम है जहां वेरी मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो ये काफी कम है 12 बजे, है ना। 1 बजे भी काफ़ी कम है, 2 बजे भी काफ़ी कम है, 3 बजे भी काफ़ी कम है, 4 बजे भी काफ़ी कम है। तो ये टाइम सबसे बेकार है जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो बेस्ट टाइम देखें तो हम यहाँ 7, 8, 9 और 10, तो आप 7, 7:30 के बीच अपना वीडियो अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ व्यू पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का पूरा आपको चार्ट बना करके ये यूट्यूब खुद देता है, खुद बताता है कि आपको किस टाइम वीडियो अपलोड करना चाहिए। अभी भी आप इसको देखेंगे एक एक करके 3 कलर में दिए हुए हैं। ऊपर जो ये पर्पल पट्टी है बिल्कुल ही वाइट सी नज़र आती है और फिर बीच में थोड़ा वाइट कलर हट जाता है, पर्पल ज़्यादा हो जाता है। और 12 बजे से 6 बजे के बीच में हम देखें यहाँ तो थोड़ा सा पर्पलनेस ज़्यादा है और 6 बजे बाद देखें तो पर्पलनेस 2 कलर में है, लाइट और डार्क। लेकिन इन सबके मायने अलग अलग हैं। आप इस कर्जर को अपने एक एक पट्टी पर रखते जाइए और ये आपको बताता जाएगा कि किस घंटे में व्यूअर ज़्यादा आ रहे हैं, किस घंटे में कम आ रहे हैं, किस घंटे में बहुत कम आ रहे हैं और किस घंटे में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएँ टेबल को और इसके हिसाब से अगर आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको व्यूज़ काफ़ी मिल जाते हैं। तो देखा आपने, ये सिस्टम था YouTube का जो YouTube ने खुद बताया कि आपके चैनल पर व्यूवर्स कब आते हैं। तो इसके हिसाब से आप मैक्सिमम अपने वीडियोस उसी टाइम अपलोड करें जब आपको लग रहा है कि व्यूवर्स की संख्या इस टाइम ज़्यादा है, और वो शाम को 7, 8, 9, 10, ये टाइम ऐसा 3-4 घंटे ऐसे जो प्राइम टाइम होता है, मैक्सिमम व्यूज इसी टाइम आ रहे हैं, तो आप इससे 15-10 मिनट पहले अपलोड करें। और हो सकता है तो बिल्कुल एग्जिट करने की कोशिश करें, जैसे कि 8 बजे का टाइम है तो आप 8:05 या 8:07:10 तक वीडियो अपलोड कर दें कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, तो इससे आपको व्यूज आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब ये एक सिस्टम है जो यूट्यूब आपको बता रहा है, अब ये हर जगह काम नहीं करता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, काफी सारे ऐसे बड़े मेरे भाई बहन यूट्यूबर्स हैं और काफी सारे ऐसे मेरे वो भाई बहन हैं जिन्होंने अभी अपने चैनल शुरू किए हैं। मैं भी खुद एक बिल्कुल छोटा सा यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब के वीडियोज बनाता हूँ, तो कुछ फंडे काम कर जाते हैं, कुछ फंडे नहीं कर जाते, तो इसलिए इसको दिमाग में रखने की बात भी नहीं है। आप अपना काम, अपना कंटेंट अच्छे से बनाते रहिए, अच्छे से करते रहिए, व्यूज जरूर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और आपका प्रेम मेरे साथ है, तो ये दोनों चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं सफलता का मार्ग अवश्य जरूर खोल देंगी। तो समझ गए होंगे आपको वीडियोस कब अपलोड करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना मेरे से बन पड़ेगी आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।